सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ फिनिक्स मॉल बरेली, और वहाँ पर गदर मूवी अभी चल रही है तो वहीं पर जाके देखना है, और उसके बाद मॉल भी घूमना है। तो आपको इस ब्लॉग में मॉल और मूवी दोनों दिखाने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बरेली के सेटेलाइट के पास, और सेटेलाइट से हमको यहाँ से राइट लेना है। राइट से बिल्कुल यहाँ से सीधे जाना है। सीधा आप जब मिडी सिटी हॉस्पिटल के आगे निकलेंगे, वहीं पे आपको फिनिक्स मॉल दिख जाएगा, जो आपके राइट हैंड साइड में पड़ने वाला है। और मूवी की टिकट फ्रेंड्स हम लोगों ने 2 दिन पहले ही बुक कर लिए थे, तो मिल भी गए, नहीं तो हाउसफुल चल रहा है। आज 10 दिन हो गए, लेकिन तब भी गदर का क्रेज अभी भी बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ सिनेमा हॉल में लगी पड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिनिक्स मॉल पहुंच के आपको वहाँ का जो सिचुएशन है, जहाँ जितनी भीड़ भाड़ चल रही, वो आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अभी 8:15 हो गए हैं, और पार्किंग में मुझे लग रहा है कोई बैठा हुआ नहीं है, तो शायद पार्किंग अभी कोई यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए मुझे अभी यहाँ पर गाइड से पता करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग फिनिक्स मॉल पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी मूवी के लिए आधे घंटे के लिए होल्ड दिया गया है, जो मतलब आधे घंटे बाद ही मॉल में एंट्री मिल पाएंगे, और ना ही अभी पार्किंग यहाँ पर हो रही है। तो चलिए इसके बाद आपको दिखाते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं पार्किंग अभी खुली नहीं है, और इसकी वजह से मॉल के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई है। सुबह सुबह लोग मूवी देखने के लिए आ गए हैं, तो अब जाके पार्किंग खुली है फ्रेंड्स। और एक साइड में कार की पार्किंग के लिए कार अंदर आ रहे हैं, दूसरी साइड में बाइक आ रही हैं, और बाइक का जो पार्किंग चार्ज है फ्रेंड, वो यहाँ पर 20 रुपीज़ है। तो चलिए बाइक को करते पार्क और इनको देते हैं पैसे। लास्ट टाइम 15 अगस्त को आए थे तो इन्होंने मुझसे 30 रुपये ले लिए थे। यहाँ पर कुछ सिस्टम इनका समझ में नहीं आता किस तरीके चलता है, जिससे जैसी मर्जी होती पैसे ले लेते हैं। यही है भाई, उस दिन 30 काट लिए थे यार। हाँ, 20 लिए हैं। उस दिन ज़्यादा विजिट हो रही होगी ना 15 अगस्त। तो अब हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पार्किंग में, जो मॉल के पीछे के लिए ग्राउंड फ्लोर पे बनी हुई है बेसमेंट में, और यहाँ से पार्क करके आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको लिफ्ट मिल जाएगी। लिफ्ट से सीधे आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, PVR कहीं पे भी जाना हो आप लोग जा सकते हो। चलिए पार्क करते हैं अपनी बाइक को। सो फ्रेंड्स, हमारी बाइक यहाँ पर पार्क कर दी मैंने, और अभी ऊपर के लिए निकलते हैं PVR के लिए। मैं जा रहा हूँ अभी लिफ्ट के पास, चलिए आपको दिखाते हैं आगे का ब्लॉग। हेलो, लग रहे तो चलिए फ्रेंड्स, आ गए हम लोग सेकेंड फ्लोर पर, और यहीं पर है PVR। तो चल दीजिए, दिखाते हैं आपको यहाँ का PVR, और अपना टिकट जो है उसको वेरीफाई करके थिएटर के अंदर एंट्री लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर अभी आगे भी आपको कितनी ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पर सामने के लिए, जो आपको दिख रहा है यही बॉक्स ऑफिस है। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाह रहे हो तो आप लोग यहाँ से टिकट ले सकते हैं, और वैसे तो बेस्ट यही रहता है फ्रेंड्स कि ऑनलाइन बुक माई शो से आप टिकट ले लीजिए। सो फाइनली फ्रेंड्स, PVR के अंदर एंट्री स्टार्ट हो गई, और हम लोग भी अभी लाइन में हैं। तो चलिए चलते हैं PVR के अंदर, और आपको दिखाते हैं यहाँ पर अंदर का PVR कैसा बना हुआ है। चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ पर लगने वाली भीड़, देखिए आगे के लिए कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, और मेरे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन हो गई। बल्कि ये फर्स्ट शो है, मॉर्निंग का शो है, तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ अभी हो रही है इस मूवी के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं PVR के सेक्शन में, और अभी हम लोग हैं यहाँ पर PVR की कैंटीन में, और आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके का PVR बना हुआ है। एक बात बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग PVR आ रहे हैं तो अपना बैग जो है वो पार्किंग में ही
लगेज में जमा करके आने, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपनी सीट पर। और मेरी सीट जो है वो एच सीरीज में है, मतलब एच 14 और 15 सीट है हमारे। और तो चलिए आपको चलते हैं लेके अंदर और दिखाते हैं अंदर से ये PVR सिनेमा कैसा बना हुआ है, कितनी साफ सफाई आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैं PVR के अंदर आ गया हूँ। कुछ इस तरीके से आपको अंदर देखने को मिलने वाला है। सीढ़ियों पर कुछ इस तरीके से लाइटें लगी हुई हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, आपकी जो सीट नंबर सीरीज़ है वो आपको यहाँ पर सीढ़ियों पे मेंशन है, जो आप लोग फ्लैश लाइट जला के देख सकते हैं आपको किस रो में अंदर जाना है, कहाँ पर आपकी सीट होगी। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको सफाई देखने को मिलेगी। सीट भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मूवी अब स्टार्ट हो चुकी है। मूवी के बाद आपसे मिलते हैं मॉल में, और मॉल में आपको कौन कौन सी शॉप्स देखने को मिलती हैं, कौन कौन से ब्रांड आपको मिलेंगे वो आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड मिलते हैं मूवी के बाद। सो फ्रेंड्स, मूवी एंड हो चुकी है, चलिए चलते हैं PVR के बाहर। अभी मैं PVR के बाहर आ गया हूँ। और आप लोग अगर मॉल में कभी वीडियो बनाए तो गार्ड से बच के बनाइए, गार्ड लोग यहाँ पर वीडियो नहीं बना देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नीचे आपको यहाँ पर चंद्रयान 3 भी देखने को मिल जाएगा। और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं फिनिक्स मॉल में जो शॉप्स हैं वो दिखाने की, क्योंकि गार्ड लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। ये लोग अब चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं फिनिक्स मॉल में आपको जो मार्केट 99 मिल जाएगा देखने को। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ नाम ही 99 है, आपको बाकी फर्स्ट डिजिट तो बताया नहीं है, मतलब 99 से ऊपर ही सारे आइटम हैं आपको यहाँ पर 799। तो इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग तरीके यहाँ मिल जाएंगे। बहुत ही कम चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको सिर्फ 99 में मिल पाएंगी, मैक्सिमम सारी 99 से ऊपरी की हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ बच्चों के टॉयज, सॉफ्ट टॉयज। चलिए अब दिखाते हैं आपको रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार। और आपको यहाँ पर घर के यूज़ के सारे सामान मिल जाएंगे, किचन से लेके बाथरूम और घर की साफ़ सफाई का सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बल्कि आपको यहाँ पर LED TV, हेलमेट, आपकी सही बाज़ार है यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर आके यहाँ पर से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इस साइड में आपको घर की साफ़ सफाई के सारे सामान मिल जाएंगे, फिनाइल वगैरह जो है यहाँ पर सब लगे हुए हैं। और यहाँ पर आपको मतलब जो घर का राशन होता है वो भी मिल जाएगा, पैकिंग वाला और लूज़ मतलब जो खुला वाला होता है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, डिनर सेट, प्लेटेड, लंच बॉक्स सब मिल जाता। चलिए फ्रेंड्स, अब निकलते हैं यहाँ से। और अभी मैं पार्किंग से अपनी बाइक को निकाल लाया हूँ और यहाँ से निकल चुका हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो शूट करने को यहाँ मिल नहीं रहा था फ्रेंड, गार्ड लोग मना कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ब्लॉग कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।